हे गाइस, दिस इज़ गेरा पीजी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे ओआरजू शॉप की, डीबीडब्ल्यूए की और बीवैप की। तो इन तीनों को सेटअप करना है और इनको सेटअप करने के लिए हम यूज़ करेंगे डॉकर। हमें बार बार लैम्प स्टैक या वैम्प स्टैक सेटअप करने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक सिंगल क्लिक मारना है, कुछ ही कपल ऑफ सेकेंड्स में आप डिप्लॉय कर लोगे अपना बीवैप, डीबीडब्ल्यूए और अपना जू शॉप। जो न्यू कमर्स हैं जिन्हें प्रैक्टिस करनी है, उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। उनको बार बार सेटअप नहीं करना है, क्योंकि आपको लर्न करने से मतलब होना चाहिए। एक बार आप देख लो कैसे सेटअप करते हैं, वो अच्छी बात है, बट आपको बार बार वो प्रोसेस आइट्रेट नहीं करनी चाहिए, वो टाइम ही हमारा वेस्ट होगा। तो हमें कुल मिला के ये करना है कि बना बनाया हमारे पास डॉकर इमेज होती है डॉकर हब पर, और उसको यूटिलाइज़ करेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे अपना ओआस टॉप 10, अपना स्केल अप करेंगे। और जो पेन टेस्टिंग करते हैं उनके लिए भी है कि वो हार्ड लेवल पे या फिर एक्सट्रीमली हार्ड लेवल पे जो होता है टॉप लेवल, उस पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने स्किल्स को ब्रशअप कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो उससे रिलेटेड ही है। तो आज हम डॉकर जो है वो आप अपने तरफ से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सीख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डॉकर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कंटेनराइजेशन पे डिपेंड है सब कुछ। ये जो कॉन्सेप्ट है, जिन्हें वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता है और एपीआई का कॉन्सेप्ट पता नहीं, ये काइंड ऑफ वो बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि डॉकर एक्चुअल में है क्या, डॉकर डेमन क्या है, डॉकर क्लाइंट क्या है। तो ये सब है। बाकी अभी हम चलते हैं, डॉकर इंस्टॉल करेंगे कैसे और ये जो तीनों एप्लीकेशन है उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो उससे पहले प्री रिक्वेस्ट ये है कि आपका डॉकर हब पे आईडी बनी होनी चाहिए। मेरी बनी हुई है, मैंने बना रखी है, और आप भी साइन अप कर लेना, क्योंकि वहीं से हमको इमेजेस मिलेंगी। इमेजेस क्या होती हैं डॉकर की, काइंड ऑफ आईएसओ फाइल या ओवा फाइल जो हम लोग वीएम में यूज़ करते हैं, तो वही होती है। बाकी अभी हम देखते चलेंगे और समझते चलेंगे, सीखते चलेंगे एक्चुअल में है क्या। ये प्री रिक्विजिट है कि आप अपना साइन अप कर लेना डॉकर हब पे, मैंने कर रखा है। और हम इमेजेस को कैसे इंस्टॉल करना और क्या क्या करना है वो बस फॉलो अप करेंगे। छोटे बहुत कमांड्स हैं, सिंगल टाइम है, कमांड्स भी समझाते चलूँगा, जो भी जैसा भी है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो जिसके में डॉकर नहीं पड़ा हुआ है ना, जो लिनक्स डिस्ट्रो पे हैं, तो सीधा डॉकर डालोगे और डॉकर डालते ही आपको एक सामने से आउटपुट आएगा कि डॉकर इंस्टॉल नहीं है और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आप स्नैप स्टोर से कर सकते हो या फिर जिससे आप करना चाहो। मैं सूडो प्रिविलेज अपना करके सूडो apt इंस्टॉल मैं docker.io को करूँगा और मैं प्रिस्क्राइब भी करूँगा कि आप भी ऐसे ही करो। मुश्किल से 5 मिनट की बात है, बट कॉन्सेप्ट जो डॉकर का है वो बहुत अच्छा है। आप यही नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो डॉकर की मदद से। और डॉकर में जब आप, डॉकर क्या होता है, खुद से ही पुल करता है। जैसे आप गिटहब यूज़ करते हो ना, तो आप वहाँ से रिपोजिटरी को क्लोन करते हो, फिर उसके बाद जो भी है टूल्स वगैरह आप चलाते हो, सेम वैसा ही सिस्टम है। आप पुल करोगे और कभी कभी क्या होता है, आप डायरेक्ट कमांड यहाँ से डालोगे जब इमेज का, तो अगर नहीं भी होता ना, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक फेच करेगा अगर आपके लोकल रिपोजिटरी में नहीं होगा। तो इंस्टॉल हो रहा है, इंटरनेट स्पीड पे भी काफ़ी मैटर करता है। काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा फॉन्ट कर दिया है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसको प्रोसेस को होने देते हैं, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। जैसे इंस्टॉल हो जाता है मैं वापस आऊँगा। नहीं, ये हो गया। और अगर आपको डॉकर के बारे में जानना है तो आप हैरी, कोड विद हैरी करके चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख सकते हो। उसने हिंदी में समझा रखा है और काफ़ी कायदे से समझा रखा है। हालांकि उसने विंडोज़ का प्लेटफॉर्म यूज़ किया था, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है, चाहे आप प्लेटफॉर्म कोई भी यूज़ करो, मतलब ओएस कोई भी यूज़ करो। आज हम तीनों के तीनों जो एप्लीकेशन है उसको सेटअप कर लेंगे, तीनों पे ही प्रैक्टिस करना था। यहाँ पे हमारा डॉकर जो है, डॉकर का कमांड हमने डाल दिया। डॉकर डेमन क्या होता है कि डॉकर डेमन एक होता है सर्वर और डॉकर क्लाइंट होते हैं हम, जहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है। तो जो API का कॉन्सेप्ट जिन्हें मालूम है कि हम डायरेक्ट नहीं बात कर सकते, तो वही सिस्टम यहाँ भी है। जो भी इंस्टॉलेशन का होता है, जो भी होता है, तो अभी सिस्टम कंट्रोल
करके जो हमारा डॉकर उसको हम एनेबल कर लेते हैं। मैं क्लियर करता हूँ ताकि कमांड आपको याद रहे, और मैं सारे कमांड जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और या फिर आप साथ ही साथ फॉलोअप कर सकते हैं। सिस्टम CTL एनेबल डॉकर सूडो प्रिविलेजेस के साथ करना स्टार्ट करेंगे। डॉकर स्टार्ट कर दिया, अभी स्टेटस चेक कर लेते हैं हम। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा डॉकर है वो अभी एक्टिव है, रनिंग स्टेट में है, और अभी इसको क्लोज करते हैं, क्लियर करता हूँ। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि डॉकर हमारा इंस्टॉल हो गया नहीं है? तो सिंपली आप डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, तो ये है क्या, पहले मैं तो ये कमांड है क्या, डॉक sudo docker run hello world। तो sudo का तो ये तो आपको पता है कि हायर प्रिविलेजेस के लिए हमने ये sudo लिखा है, docker हमने इंस्टॉल कर लिया, run हम कमांड दे रहे हैं अपने क्लाइंट से docker daemon को कि भाई ये जो hello world जो है इसको रन करो। ये हेलो वर्ल्ड है क्या, ये हेलो वर्ल्ड एक डॉकर इमेज है, जैसे आपका एक ISO फाइल होता है काली में, और उस ISO फाइल से आप विंडोज चलाते हो या फिर आप पैरट OS चला रहे हो, जो भी है काली चला रहे हो, वैसे ही ये भी एक इमेज है, ये भी एक इमेज है, और इस इमेज के अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन कराने के लिए। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी एक ISO फाइल है तो वो एक ब्लूप्रिंट है, उसी के अंदर सब कुछ है, विंडोज़ की ISO फाइल है वो एक ब्लूप्रिंट है, उसके अंदर ही सब कुछ है कि भाई इसके अंदर ही अपडेट करने का पड़ा हुआ है, तमाम सॉफ्टवेयर पड़े हैं, कैसे रन करना है, कैसे कनेक्ट करना है, थ्रेडिंग कैसे होगी, वो सारा चीज़ इसमें है। और डॉकर का फ़ायदा ये है कि आप बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, और आपका एलोकेशन जो रिसोर्सेज का होगा वो मिनिमल होगा, जितना रिक्वायर्ड है केवल उतना ही होगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हमने डॉकर रन किया हेलो वर्ल्ड, और ये देख रहा था ये लोकली है या नहीं, लोकली मतलब हमारे क्लाइंट पे है या नहीं, हमारे पीसी पे है या नहीं। तो जब हमारे पीसी पे नहीं मिलेगा तो वो पुल कर लेगा लाइब्रेरी से, वो लाइब्रेरी कहाँ की है, वो लाइब्रेरी है हमारे डॉकर हब की, ठीक है। तो ये है पूरा फंडा कि ये डॉकर काम कैसे करता है। तो अभी तो ये हेलो वर्ल्ड चल रहा है, और जो कमांड्स हैं वो पहले मैं दिखा देता हूँ कि वो कमांड्स क्या क्या होंगे, क्या यूज़ करना है क्या नहीं, उसके बाद हम साथ ही साथ इंस्टॉल भी कर लेंगे सर। ये डाइजेस्ट है, ये एक आपको आईडी भी मिलेगी, मैं दिखाता हूँ वो आईडी क्या होगी। आपको पहले डॉकर इमेजेस सर्च करना है, ओहो मैं भूल जाता हूँ बार बार रूट प्रिविलेज। तो डॉकर इमेजेस मतलब हमारे रिपोजिटरी में इमेजेस कौन सी है, तो हमारे पास अभी है हेलो वर्ल्ड, और हमें क्या क्या कौन कौन सी इमेजेस और चाहिए रिपोजिटरी में। हमारा टारगेट था आज कि हम OAuth shop हमें चलाना है अपने पीसी पे बिना कुछ सेटअप किए, एक सिंगल कमांड से DBWA चलाना है, BBAP चलाना है। तो हमें ये तीन इमेजेस डॉकर इमेजेस अपने रिपोजिटरी में चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे हम आएंगे डॉकर हब में। डॉकर हब में जब हम आएंगे तो यहाँ से हम वो जो इमेजेस हैं उनको उठाएंगे और उनको पुल करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम OAuth do shop का करेंगे, ये बहुत फेमस है, ये तो सभी इन्हीं का यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी कम्युनिटी यार, मतलब जल्दी जल्दी अपडेट्स आ रहे होते हैं, लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। देखो 3 दिन पहले ही अभी अपडेट हुआ है, तो आपको बस सिंपली क्या करना है, ये रिक्वेस्ट पुल करनी है, डॉकर पुल डू शॉप,
कमांड लाइन पे जाएंगे और सिंपल मार देंगे। उसको चलाने के लिए ना ज़्यादा कुछ चाहिए, एक सिंपल लाइन, एक कमांड चाहिए होती है, वो है ये, और लोकल होस्ट पे हमें मिल जाएगा। ये लोकल होस्ट कहाँ पे, जहाँ पे हमारी ये रिपोजिटरी होस्ट होगी। अभी वो कोड कैसे कन्फिगर करते हैं वो भी मैं बता दूंगा, और इसको डिटैच मोड में कैसे चलाना है वो भी मैं बता दूंगा। ये है वो रिक्वेस्ट जैसे हम जो हमें रन करनी है डॉकर से, और इसको इंटरेक्टिव मोड में कैसे चलाना है वो भी मैं बता दूंगा। इंटरेक्टिव मोड में जब आप काली यूज़ कर रहे होगे तो जैसे आपको काली का कोई टूल यूज़ करना है या फिर पैराडोस का कोई टूल यूज़ करना है ना, तो आप इंटरेक्टिव मोड में उसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम पुल करेंगे, इसे पेस्ट करेंगे जो हमने कॉपी किया था। ऐसा करता हूँ मैं, इसको पुल होने दो। फिर डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं साथ ही साथ। बैकग्राउंड में जो भी न्यू नॉइज़ आएगी उसको इग्नोर करना। यहाँ पे DBWA सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे हम BWAP टर्मिनल पे वापस आते हैं। तो अभी ये हो रहा है 206 MB का, ये इंटरनेट स्पीड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मेरा इंटरनेट स्पीड सही है बट फिर भी टाइम ले रहा है। तो हम बाकी भी पुल कर लेते हैं, एक और टर्मिनल, एक और सेशन ओपन करते हैं, और यहाँ पे DBWA पुल करेंगे। DBWAP है, DBWA फाइन। तो DBWA ये मैं करूँगा सिटीजन स्टिक का, ये काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, पॉपुलर लोगों का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। यार मैं ना यार सूडो बड़ा पंगा है। BWAP मैं यूज़ करूँगा एक्सप्लॉइट का, ओके। तो हमारा जूस शॉप जो है वो इमेज हमारे पास आ चुकी है, DBWA हमारा हो रहा है, और BWAP भी हो रहा है हमारा। ओके फाइन, जब ये सारी रिपोजिटरी में हमारी आ जाएगी तो दोबारा हम चेक करेंगे कि हमारे पास इमेजेस कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम ये इमेजेस रन करेंगे, रन करने का मतलब इनको एक्टिव करेंगे और देखेंगे कि ये एक ही नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना रहेगा, सिंपली एक कमांड करना, और उसको आप ऑटोमेट भी कर सकते हो अपने शेल से। शेल आप स्क्रिप्ट लिख लेना, या फिर मैं कहो तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसको ऑटोमेट कैसे किया जाए, तो वो भी मैं देख ही लूँगा। आप कमेंट बॉक्स में भेजना, मैं काफ़ी कंसीडर करता हूँ आप सबके कमेंट्स, क्योंकि ये एक व्यूअर था उसी ने कहा था कि भैया DBWA इंस्टॉलेशन का आप बनाना, तो मैंने कहा यार DBWA इंस्टॉलेशन का मतलब ही क्या, जब हमें एज अ पेन टेस्टर, एज अ बग बाउंटी हंटर और एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर, अगर आप न्यूबी हो तो भी कोई बात नहीं, प्रोफेशनल हो तो भी कोई बात नहीं, आपको काम करने से मतलब है। इससे कोई मतलब नहीं यार कि कैसे लैम्प स्टैक कैसे सेटअप करें, वैम्प स्टैक कैसे सेटअप करें, वो हमारा सरदर्द नहीं है। ओके, तो अभी सब कुछ पुल हो चुका है रिपोजिटरी से, क्लीन करते हैं और सुडो डॉकर इमेजेस। तो अभी हमारी रिपोजिटरी में ये इमेजेस आ गई हैं।
जूशॉप, डीवैप, डीवीडब्ल्यू है। अब एक एक करके हम रन करेंगे और उसके बाद पोर्ट भी कॉन्फ़िगर करेंगे। किस पोर्ट पे आप अपने हिसाब से पोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे आपको किसी और पोर्ट पे चाहिए तो आप दूसरे पोर्ट पे कॉन्फ़िगर कर लेना। अब आपको मान लीजिए जूशॉप रन करना, तो वो कैसे रन करोगे? जब भी आप रन करोगे ना, तो आपको एक यूनिक इमेज आईडी मिलती है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, इसको नेम भी दे सकते हो अपना खुद का, वो सब भी किया जा सकता है। तो जैसे आपको डॉकर, फिर नेक्स्ट कमांड आप फायर करोगे डॉकर रन, ये बहुत पॉपुलर हैं, उनको नेम देने का कोई मतलब है नहीं, बट यार नेम नहीं देते, अभी नहीं देते नेम, अभी डायरेक्ट रन करके दिखाता हूँ मैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो जाता। सबसे पहला हम भी अपना जूस शॉप रन करेंगे। तो जूस शॉप के लिए पोर्ट क्या कन्फिगर कर रखा है, कमांड दे रखा डॉकर रन हाइफन आरएम हाइफन पी, पोर्ट है 3000। ओके, तो टाइप ना करके सिंपली कॉपी ही कर लेते हैं। टर्मिनल पे आएंगे, अब आप समझो क्या है, डॉकर रन हाइफन आर हाइफन एम हाइफन हाइफन आर एम जो फ्लैग है आर एम फ्लैग का तो यार मुझे याद आ नहीं रहा एक्चुअल में। हाइफन पी जो है वो पोर्ट यूज पोर्ट डिफाइन करने के लिए होता है, ये हमारा लोकल होता है जिधर से जो हमारा सिस्टम साइड से होता है, और ये है जहाँ पे हमारा ब्राउज़र लिसन करेगा वो जो लोकल होस्ट में कॉन्फ़िगर कर रहा होता है, और ये हमारा डॉकर का नेम है जो कि ये था। और आप चाहो तो ये आईडी भी डाल सकते हो, इस आईडी को भी आप डालोगे तो भी हो सकता है, और इसको आप अलग से एक नेम भी दे सकते हो, बट अभी तो हमें जूस शॉप रन करना है। इसमें कुछ जैसे अभी आपको अगर रन करना होता ना, तो वो जो आप वैम स्टैक सेट कर रहे होते हैं, अलार्म स्टैक सेट कर रहे होते, तो उसमें बड़ा दिक्कत होता, कोई ना कोई एरर ज़रूर आ जाता है, और इसमें एरर आने का कोई सीन है ही नहीं, क्योंकि इसको पहले से प्रीसेट कर दिया गया, ऐसा सेट किया गया कि कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। फिर जैसे आपने जूस शॉप रन किया, आप लोकल होस्ट पे जाओ, न्यू टैब में ओपन करो आप, ये देखो आपका लोकल होस्ट पे जूस शॉप रन हो रहा है, और यहाँ से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो और जूस शॉप पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अभी ये रन कर दिया, अब इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, जो भी डॉकर जो हमारा रन हो रहा है उसको हमको बंद करना है। तो पहले आप ये कमांड देखो कि डॉकर तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड जो हमने इंस्टॉल किया था इमेज और चलाया था, अभी वो एग्जिटेड स्टेट में, बट हमारा ओआर जो जूस शॉप है वो अभी भी चल रहा है, तो अभी वो जो डॉकर है उसको स्टॉप कर रहा है मैं। तो सिंपली आप फायर करो कमांड डॉकर स्टॉप। सो गाइस आई एम बैक, और थोड़ा काम था, काम की वजह से जाना पड़ा। हाँ, तो इशू ये था कि इशू क्या था, सुडो डॉकर स्टॉप हाइफन एल, अच्छा, तो डॉकर को स्टॉप करना था, तो डॉकर पीएस चलो अभी देखते हैं कि डॉकर कौन कौन से रन हो रहे हैं। अच्छा, रनिंग स्टेट में नहीं है, क्यों? अच्छा, हमने क्लोज कर दिया था, कंट्रोल सी से क्लोज कर दिया था। ओके, फाइन, फिर से रन कर, क्लोज कर दिया था तो पोर्ट तो यार चेक ही नहीं किया, रन कर रहा है या नहीं देखें। हाँ, नहीं कर रहा है, कंट्रोल सी से क्लोज कर दिया था। ओके, ध्यान नहीं गया मेरा इस बात पर। डॉकर इमेजेस
डॉकर रन डिटैच मोड, रन इन द डिटैच मोड पोर्ट तो सेट करो कि 3000 पे लिसन करना है तुम्हें। और नेम क्या था? नेम है अभी देखते हैं डिटैच मोड में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो इनके स्पेसिफिक कमांड पे जाना पड़ेगा। ड्राइवर फेयर प्रोग्राम एक्सटर्नल कनेक्टिविटी एंड पॉइंट ऑलरेडी एलोकेटेड, ओके 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 ऑलरेडी एलोकेटेड। यार ऑलरेडी रन कर रहा है यार, क्यों नहीं देखा मैंने ये बात? देखो दो जगह चल रही है, लॉकर स्टॉप करेंगे ये कंटेनर आईडी पास करके। हाँ हाँ ठीक है, पहला डॉकर ये बंद किया और दोबारा बंद करेंगे। इस बार कंटेनर आईडी कौन सी है? सेकंड वाली। ठीक है PS-N। अब ये देखो कि ये जो अभी हमने डॉकर अभी रन किया था ना जूशवा, अभी देखो अभी एग्जिटेड स्टेट में, अभी बन गया ना लेटेस्ट वाला 23 सेकेंड हुआ और उससे पहले 2 मिनट हुआ। तो अभी डॉकर का हमारा जूस ऑफ हो गया, अभी हम चलेंगे DBW की तरफ। DBW है हमारे में इंस्टॉल है पहले से ही, डेटाबेस सेटअप हम तो क्लिक करके कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस इंस्टॉलेशन का बता दे रहा हूँ कि उसको रन कैसे करना है। क्या इनके तरफ से कोई स्पेसिफाइड कमांड है? पुल करने के बाद डॉकर रन -D डिटैच मोड में चला रहे हैं पोर्ट। अब देखो यहाँ पे ये डिटैच मोड में चला रहे हैं DBW वाले, और जो OWASP यूज करता वो -RM फ्लैग यूज़ कर रहे थे, तो ये फ्लैग में थोड़ा डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू देम। मैंने कहा नहीं जिसने जैसा भी सेटअप किया हो, डॉकर PS-A। अब ये देखो DBW हमारा भी रनिंग स्टेट में, ठीक है ये देखो ये सारी एग्जिटेड स्टेट में हैं, लेकिन देखो ये अभी अप है, स्टेटस इसका अप है। ठीक है पोर्ट नंबर 80 पे लिसन कर रहा है और हमें वहीं जाना है लोकल होस्ट। अच्छा एनवायरनमेंट वेरिएबल इन्होंने स्पेसिफाई किया है पोर्ट के साथ में, ओके फाइन ओके। तो हम तो चलेंगे अपने लोकल होस्ट पे, ठीक है लोकल होस्ट पे चलने के लिए सीधा लोकल होस्ट आप टाइप करो। कोड हमने क्या डाला था? 80 पे कॉन्फ़िगर किया था ना। ये लो DBW सेटअप हो गया अब। ओके डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ये लो यूज़र नेम और पासवर्ड डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ किया है इन्होंने, देखो इसमें मेंशन भी किया होगा इन्होंने कि डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ किया है।
इंस्टॉलेशन के लिए एडमिन और पासवर्ड हमारा डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल है, डाल के देख लेते हैं यार। ADMIN एंड पासवर्ड, लॉगिन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अपना CVT सेट कर लेना और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हम दोबारा अपना जो जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, अब इसको हमें बंद करना है ना, तो डॉकर स्टॉप कर देंगे सीधा सीधा। डॉकर स्टॉप, और ये है हमारी कंटेनर आईडी। तो अभी ये स्टॉप हो चुका है और अभी दोबारा इसको रिलोड करके देखते हैं। देखो तो कंटेनराइजेशन इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि मैं क्या बताऊँ। अब हमारा लास्ट बचा है BVAP। BVAP का हम पुल करके अपना डॉकर इमेजेस तो हमारे पास सही, मैंने दिखा ही दिया ऑलरेडी आपको। लास्ट बच रहा है हमारा जो कि BVAP है, BVAP डॉकर इमेजेस में जाएंगे। और स्टार्ट करने के लिए सिंपल कमांड डॉकर रन -n। अब ये कौन से बोर्ड में चलेगा, डिटैच मोड में चलेगा, इंटरैक्टिव में, RM कौन सा फ्लैग यूज़ किया ये भी देखना पड़ेगा हमें। देख लेते हैं, डिटैच मोड में ही होगा यहाँ तक मुझे उम्मीद है, डिटैच मोड में ही है तो हम भी चलेंगे डिटैच मोड में। पोर्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए पोर्ट 8080 पे डिसेबल कर रहा है तो पोर्ट हमारा क्या था, 8080 और हमारे इमेज का नाम है BVAP Docker। अभी हमें स्पेसिफिक आईडी मिली, हम इस आईडी को यूज़ करके ना अपना डॉकर क्लोज भी कर सकते हैं बजाय कंटेनर आईडी के। हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं जो हमें स्पेसिफिक हैश वगैरह मिल रहा है इसका। अभी चलते हैं लोकल होस्ट पे। अच्छा, पहले आपको PHP इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए ये इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है पहले ही कि आप यहाँ BVAP पे आओ, बस सिंपली यहाँ क्लिक कर दो और आपका BVAP इंस्टॉल हो गया। अब लॉगिन वाले पेज पे जाएंगे और यहाँ पे पहले ही दे रखा है डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल की BBug है, आप बाद में अपना चेंज भी कर सकते हो। और डॉकर को आप क्लोन करके ना आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, उनकी रिपोजिटरी पे जाकर जैसा भी आपको बनाना है फिर आप अपने हिसाब से डिप्लॉय कर दो डॉकर हब पे। और यही है कुल मिला कि समराइज ये कर रहा हूँ मैं कि डॉकर का प्लेटफॉर्म यूज़ करना है और ऐसे कुछ भी आपको चलाना, अगर आपको इसी पे Ubuntu पे लिनक्स चलाना हो तो आप लिनक्स भी चला सकते हो यहीं पे। अगर आपको पैरट OS यूज़ करना है तो आप पैरट OS यूज़ कर सकते हो यहीं पे। आपको अलग से पूरा VM डाल के दोबारा स्टार्ट करना, कॉन्फ़िगर करना, RAM देना, वो सब करने की ज़रूरत है ही नहीं। पैरट सेक सिक्योरिटी, ये देखो कितने लोगों का है जो भी, अब देखो ये कितना जल्दी जल्दी अपडेट हो रहा है, 13 दिन पहले ही अपडेट हुआ है। ये तो काफ़ी पुराने, 5 साल 3 साल 2 साल, तो जो अभी न्यू ये 1 ही महीने पहले हुआ है अपडेटेड मंथ है वो। ये बहुत अच्छी कम्युनिटी है, तो सब कुछ आपको बना बनाए मिल रहा है, बस आपको डॉकर यूज़ करना है और उसको स्टार्ट कर देना है और प्रैक्टिस करो, बस दैट्स इट। डॉकर है, उसकी पावर को पहचानिए आप, उससे जितना जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हम एज अ पेंटेस्टर और एज अ सिक्योरिटी की आपके मन में हमेशा यही होना चाहिए कि कितना कुछ सीख लें और कितना कुछ यूज़ कर लें सीख के, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करें। तो ये देखो अभी हमारा अप स्टेट में, अभी हमने बंद नहीं किया था, अब हम बंद कर देते हैं। वही सिंपल डॉकर रन स्टॉप, इस बार हम लोग ये वाली आईडी यूज़ करेंगे जो मैं हर बार बता रहा हूँ कि हम लोग जिसका भी यूज़ कर सकते हैं ना।
तो हमारा डॉकर स्टॉप हो गया। अभी इसको रिलोड करें बीवैप स्टोर को, देखते हैं चलता, देखो नहीं चल रहा। तो एट द एंड समराइज मैं करता हूँ कि हमने आज डॉकर की पावर को देख रखा है कि डॉकर की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। वो आज जू शॉप हमने सेटअप कर लिया है प्रैक्टिस करने के लिए, DBW है, बीवैप, एक एक करके सब पे प्रैक्टिस करो। और इसके लिए बार बार सेटअप नहीं करना पड़ेगा, कोई PHP में छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करना, बस सिंपली जाओ डॉकर रन, पोर्ट कन्फिगर करो किस पोर्ट पे आपको लिसन कराना है और अपने इमेज का नाम, दैट्स इट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अगर और कुछ भी नया वीडियो चाहिए, नया कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। और मैं एक नया प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, बेसिक से, एकदम बेसिक से, आपके हेडर्स से, इम्पोर्टेंट हेडर्स हैं, वो हेडर्स हैं क्या, क्या यूज़ है उन हेडर्स का, और वो मैं सिमुलेट करूँगा इन्हीं तीनों को यूज़ करके, कहीं ना कहीं बीवैप या DBWA को यूज़ करके। और मैं सारे जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो भी बताऊँगा, और एक मैं गो थ्रू करूँगा पोर्ट फिगर अकेडमी का भी, जहाँ पे क्लिक जैकिंग जैसे जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो भी देखेंगे, और सर्वर साइड क्लाइंट साइड जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो भी देखेंगे, और जो अलग तरीके के होते हैं कुछ उनको भी देखना है, जो जिनका मेंशन नहीं हुआ रहता है वास्ट टॉप 10 में और उनको कंसीडर किया जाता है, जिस पर अच्छी खासी बाउंटी मिलती है, वो भी देखेंगे। तो इस प्लेलिस्ट को मैं बनाऊंगा और जैसे ही मौका मिलता है वो धीमे धीमे करके वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी।